विलेज से निकले थे, तो विलेज से उनका स्टे था नमाकोट में। तो कल जो है ना साजिद भाई से बात हुई, उन्होंने बताया कि आज शाम को जो है ना हम कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। तो खैर खैर पहुँचे, तो ये सफ़र भी उनका अच्छा गुजरे, हमारी यही दुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, मैं हूँ आसिम मलिक, आप देख रहे हैं आसिम मलिक ब्लॉग चैनल। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए, आबाद रखिए अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में, और जो लोग हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उन सबका शुक्रिया। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देख करें, आप सबका शुक्रिया। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा। आज मौसम काफ़ी प्यारा है, धूप निकली हुई है और नाश्ता भी हमने कर लिया है, और आज फिर कहीं जा रहे हैं हम, तो आपको जाकर बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, और बाकी की जो ब्लॉकिंग है वहीं पर जाकर करेंगे। अभी जो है ना हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, अभी जो है ना रेडी हो चुके हैं और हम रवाना हो रहे हैं। अबू भी रेडी हैं, अबू साथ हैं, तो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कहाँ जाना है? बस किसी एक दरबार पर, तो मन्नत थी थोड़ी सी, वो उतारेंगे कोई चीज़ वगैरह लेकर, वो भी बांटेंगे। अच्छा, और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। अभी जो ना हम पहुँच चुके हैं मेतला चौक, तो अबू गए हुए हैं चीज़ लेने, तो छोटी सिस्टर साथ थी, तो इसलिए जो ना हम साइड पे खड़े हुए हैं एक साइड पे। तो ये मेतला चौक है और हमें जाना है रशीदाबाद, तो वहाँ वहाँ पर भी जाके आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। और ये मेतला चौक है, बहुत बड़ा शहर है। और ये है माल्टे पार्क, ये आप देख सकते हैं लीमू और माल्टे, तो काफ़ी बड़ा पार्क है माशाल्लाह, और ज़मीन देखिए आगे। अभी जो है हम दरबार पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ी दरबार है, और ये अबू जा रहे हैं अंदर। और ये दरबार के अंदर की साइड जगह काफ़ी खूबसूरत सेटिंग से मतलब बनाई गई है। और ये है कब्र मुबारक, तो यहाँ के मतलब बहुत बड़े पीर थे, तो ये अबू भी ज़ियारत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ से भी, और यहाँ पे जो है ना नमक रखा हुआ है, और यहाँ पे खड़े होके मतलब कोई दुआ वगैरह जो भी मांगनी। मैंने भी यहाँ खड़े होके ना मन्नत मांगी थी, तो माशाल्लाह से मेरी मन्नत पूरी हो गई। काफ़ी खूबसूरत दरबार है और काफ़ी अच्छे पीर है। हम जो है ना यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं, और ये अबू डाल रहे पैसे। और ये दरबार की बाहर वाली साइड है, यहाँ पे भी छोटी छोटी कब्रें हैं, ये भी पीर हैं, और एक कब्र यहाँ पर है, तो एक वहाँ पर, तो एक नीचे ये कब्र है, तो ये दरख्त इनके ऊपर है। चीज चलाए थे उनको मतलब ख़त्म दिलवा रहे हैं, ये मौलवी साहब बैठे हुए हैं, और ये वो, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दरबार बनाई हुई है। और ये दरबार है, दरबार के साथ यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद भी काफ़ी खूबसूरत से तरीके से बनाई है। और पहले पहले दफ़ा जब आया था ना तो ये सेटिंग नहीं थी, तो अब माशाल्लाह से खूबसूरत सेटिंग की हुई है। जब मैं छोटा सा था ना तब आया था, बस जो है हमने कर लिया, और अभी जा रहे हैं वापस। और ये कब्रिस्तान बना हुआ है, और ये आप देख सकते हैं रशीदाबाद का विलेज इलाका, तो यहाँ पे फसलें देखें कितना प्यारी फसलें, ये देखें जानवर कितना प्यारे प्यारे, और ये देखें सरसों कितना प्यारा लग रहा है, और कितना प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। अभी जो है ना हमारे हुए हैं नवीद भाई के घर, तो वहाँ से जो है ना ज़ियारत कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम। और ये नवीद भाई का भाई है हफीज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक लग रहा। अभी जो है ना हम यहाँ पर हैं इनके घर, तो इनके विलेज आपको दिखाता हूँ, काफ़ी प्यारा विलेज है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू है। ये है इनका घर, और उसके बाद ये है इनका विलेज, और यहाँ की फसलें दिखे माशाल्लाह कितनी प्यारी है। और ये सामने थोड़े से घर हैं, काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का। और ये जानवर हैं इनके, काफ़ी खूबसूरत हैं। और इस तरफ से जो है ना ये सरसों भेजा हुआ है, काफ़ी प्यारी फसलें हैं यहाँ की, और काफ़ी प्यारा व्यू है माशाल्लाह।
दोपहर का खाना जो रेडी हो चुका है, और बिखारे खाना ये आलू और गोभी का सालन है। अभी खाते खाते अभी जो है ना हम पहुँचने वाले लियाकतपुर, और ये काफ़ी बड़ा टोन है यहाँ का, और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और ये आप देख सकते हैं इस तरफ हरियाली, आम का बाग, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी जो है ना हम लियाकतपुर में इंटर हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ा पंप है, खूबसूरती देख सकते हैं आप। और सामने यहाँ पे रेलवे का आप, और ये है पौधे प्लांट की नर्सरी। अभी जो है ना हम पहुँच चुके हैं लियाकतपुर, और ये सामने देखें छोटी सी बेकरी है, और इसके अलावा यहाँ का व्यू देख सकते हैं। और यहाँ से ले रहे हैं हम अभी फिश, ताज़ा फ्रेश, देखिए कितना खूबसूरत फिश पड़ी है, और देखिए कितना बड़ी है। ये शायद मेरे ख्याल में कमांडो है, पता नहीं कौन सा है। और उसके अलावा ये भी है, और ये देखिए काफ़ी बड़ी दुकान है माशाल्लाह। तो यहाँ से ले रहे हैं फिश का मतलब कोई मसाला वगैरह जो होता है वो, उसके बाद जो है ना हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी जो है ना शहर से निकल कर बाहर आ चुके हैं, मतलब साइड पे अभी जा रहे हैं चक 14। और ये आप देख सकते हैं ये अबू के दोस्त का घर है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया, देखिए माशाल्लाह। अभी जो है हम पहुंच चुके हैं 25 वाली कॉलोनी, और घर देखिए यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा घर है। हम पहुंच चुके हैं चचोला निवास के घर, और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, और मतलब अंधेरा हो चुका है। तो पहले हम शहर गए थे, शहर हम फिश वगैरह लेनी थी, तो फिश लेकर जो है ना अभी घर हम पहुँचे चचोला निवास के। तो आज रात जो है हम यहीं पर हैं। अभी रात का खाना रेडी हो चुका है, और ये सालन है फिश जो अभी लाए थे, तो सालन रेडी हो चुका है, अभी खा रहे खाना। और ये साग है, देसी घी डाला हुआ है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अभी खाना खाते हैं। राजीव भाई और उनकी फैमिली जो है ना कराची के लिए रवाना हो गए, तो परसों जो है ना विलेज से निकले थे, तो विलेज से उनका स्टे था नमाकोट में। तो कल जो है ना साजिद भाई से बात हुई, उन्हें बताया कि आज शाम को जो है ना हम कराची के लिए रवाना हो जाएंगे, तो खैर खैर से पहुँचे। तो ये सफ़र भी उनका अच्छा गुजरे, हमारी यही दुआ है। और वो एक महीने तक जो है ना विलेज आएंगे वापस कराची से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, और अल्लाह पाक उनको खुश रखे जहाँ भी रहें, वो खुश रहें, हमारी यही दुआ है। तो विलेज जो है वो वापसी आएंगे, अभी कन्फर्म नहीं है कब तक आएंगे, तो वापस जो आएंगे वो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए ताज़ा फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।